हाय फ्रेंड्स, आज हम कुछ सिंपल सा ट्यूटोरियल दिखाएंगे कोरल ड्रॉ में। जैसे हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं, सपोज जैसे ये ड्राइंग कर लिए, फिर क्लिक करके कभी कभी हम इसे छोड़ देते हैं, फिर ऐसे ड्राइंग करते हैं, फिर इधर क्लिक कर देते हैं, फिर ऐसे ड्राइंग करते हैं। तो ये सब करने के बाद सपोज हमें इसे ज्वाइन करना है, तो हम ऐसे कलर देने से कलर भी फिल नहीं होता है, तो कैसे करके हम इस ज्वाइन को, मतलब नोट्स जो है ज्वाइन कैसे करेंगे देख लीजिए। हम पूरा पूरा इसे सिलेक्ट करेंगे और करने के बाद हम अरेंज ऑप्शन में जाएंगे, फिर शेपिंग में जाकर हम व्हील ऑप्शन में क्लिक करेंगे और इधर बहुत सारे ऑप्शन है जैसे अरेंज क्लोज पाथ विथ स्ट्रेट लाइंस, इसे करके हम ज्वाइंट कर सकते हैं। देखिए इसे करने के बाद आप कलर दीजिए, ये ज्वाइंट हो जाएगा। ये एक तरीका है और दूसरा एक तरीका है, दिखा देते हैं। सपोज ये हमारा अभी ज्वाइन नहीं हुआ, देख रहे हैं, तो अरेंज में जाकर हम शेपिंग में जाकर विल्ड करेंगे, इसके बाद कोई क्लोज नहीं करेंगे, हम हाथों से ही ऐसे करेंगे। देखिए ये दोनों नोट्स को, खाली एक नोट्स के ऊपर दूसरा नोट छोड़ दीजिए, फिर इधर ऐसे क्लिक कीजिए और ये जो ऑप्शन है मेक नोट सिमेट्रिकल, देखिए जॉइंट हो गया। फिर इधर जाके बड़ा करता हूँ, देखिए ये दोनों नोट्स को ऐसे सिलेक्शन करके एक के ऊपर दूसरा छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद अभी देखिए, देख रहे हैं ये कोना बन गया, ये जॉइंट हो गया। और इधर भी देखिए एक नोट दूसरे के साथ लेकर आए, फिर इधर ले आके छोड़ दीजिए, देखिए छोड़ने से जॉइंट हो जाएगा। फिर इसे सिलेक्शन करके हम अगर कार्व करना चाहते हैं ऐसे क्लिक कर दीजिए, देखिए देख रहे हैं ये कार्व भी हो गया। और इधर भी अगर जॉइंट करना है तो हम इसे सिलेक्शन करके इसके ऊपर छोड़ देंगे, देने के बाद देखिए ये भी जॉइंट हो गया। तो ठीक इस तरीके से हम कोई भी नोट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम सिंपल प्रोसेस है, तो आगे से आपको दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।